रामचरितमानस को बैन किए जाने के समाजवादी पार्टी एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सियासी बवाल जारी है, जहां कुछ सपा नेताओं और विधायकों ने स्वामी के बयान को अनुचित ठहराते हुए इसे निजी राय बताया है। वहीं समाजवादी पार्टी में स्वामी के समर्थन में भी सुर उठने लगे हैं। सपा विधायक तूफानी सरोज ने रामचरितमानस की भरचौपाई ट्वीट की है, जिस पर स्वामी ने आपत्ति जताई थी। सपा नेता और पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति भी स्वामी के समर्थन में खड़े हो गए हैं। ऐसे में पार्टी के भीतर ही स्वामी को लेकर समर्थन विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। तीन बार के सांसद और केराकत से सपा विधायक तूफानी सरोज ने मंगलवार को मानस की एक चौपाई ट्वीट की। यह वही चौपाई है जिसका जिक्र रविवार को दिए अपने बयान में स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया था। सरोज का कहना है कि उनका ट्वीट किसी के विरोध या समर्थन में नहीं है। मैंने उस चौपाई को साझा किया है जिसका उल्लेख स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया था। अब लोग खुद पढ़ें और जानें कि क्या सही है और क्या गलत। पूर्व विधायक और सपा नेता ब्रजेश प्रजापति ने भी मानस को बैन करने की मांग की है। ब्रजेश ने बसपा से सियासत शुरू की थी और 2017 में स्वामी के साथ भाजपा में गए थे और तिंदवारी से विधायक बने थे। जब स्वामी भाजपा से सपा में आए तो ब्रजेश भी उनके साथ सपा में आ गए थे। कभी भाजपा में रहे ब्रजेश प्रजापति सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के पूर्ण समर्थन में हैं। उनका कहना है कि रामचरितमानस में कुछ आपत्तिजनक पंक्तियां हैं जिन्हें सरकार को हटा देना चाहिए या रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। तरीके से रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है पूजह विप्रशील गुणहीना शूद्र नगुणगन ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण चाहे अयोग्य हो, मूर्ख हो, बेवकूफ हो, किसी काम करना हो, नलायक हो, वो पूजनीय है। लेकिन शूद्र चाहे जितना विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, तेजस्वी हो, ज्ञान का भंडार हो उसके पास में, लेकिन वो पूजनीय नहीं है। तो शूद्र कहकर के आखिरकार तुलसीदास जी किसको अपमानित करना चाहते हैं? वर्ण व्यवस्था के आधार पर चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्र में सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं। तो इन वर्गों को इस तरीके की बात कह करके अपमानित करने का काम गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। साथ ही वो कहते हैं जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच करात कोल कलवारा, अर्थात जो वर्णों में अधम है, नीच है, वो तेली कुम्हार सुपच किरात कोल कलार इन जातियों के लोग हैं। जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके इन जातियों को अपमानित करने का अधिकार आखिरकार गोस्वामी तुलसीदास जी को किसने दे दिया? वो आगे लिखते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल तारण के अधिकारी। अरे पशु तो समझ में आता है, लेकिन नारी और शूद्र, 50% आबादी देश में नारी समाज की है। नारी चाहे किसी भी जाति धर्म वर्ग की क्यों ना हो, उसको प्रताड़ित करने के अधिकारी है, शूद्र प्रताड़ित करने का अधिकारी है। वहीं बयान को लेकर सपा नेतृत्व की नाराजगी की खबरों के बीच स्वामी अपने स्टैंड पर कायम हैं। मंगलवार को संत कबीर नगर में कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में स्वामी ने कहा कि मैंने किसी भगवान या धर्म पर टिप्पणी नहीं की। चौपाई के उस अंश पर सवाल उठाए जिसमें महिला, दलितों और पिछड़ों को अपमानित किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने दो दिन पहले जो कहा था उस पर आज भी कायम हूँ। स्वामी के मानस ज्ञान को निजी राय बताने की रणनीति पर सपा कायम है। मंगलवार को इटावा में शिवपाल यादव ने कहा कि स्वामी ने जो कहा है वह उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का नहीं। शिवपाल ने कहा हम लोग भगवान रामकृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। वहीं लखनऊ मध्य से समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य को ज्ञान नहीं है कि मानस में जो दोहा है उसमें ताड़ना का मतलब समझना और समझाना है। उन्होंने अज्ञानतावश यह बयान दिया है। पार्टी का ज्ञान नहीं है और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। रब कुल रीत सदा चले आई, बचन जाए पर बचन न जाए। मौर्य जी ने कहा है उसमें ताड़ना का अर्थ परखना और पहचानना है। अज्ञानतावश उन्होंने ऐसी टिप्पणी करी है। टिप्पणी करने से पहले पूरा ज्ञान होना चाहिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में पूरा प्रकरण आ गया है और वो शीघ्र ही इस पर समुचित कार्यवाही करेंगे।